बताओ इतनी देर से क्यों है? हम लोग कितनी देर तक तुम्हारा इंतजार करते रहे? तुम्हें किसने कहा था इंतजार करने को? अरे क्या हुआ है तुम्हें? मालूम होता है किसी से लड़ के आए हो, मुख फुलाए हुए होते हो, बिल्कुल बंदर जैसे लगते हो। मैं मजाक के मूड में नहीं लाया। उही तो बा, आप इसे मजाक समझ रहे हैं? जरा आईने में अपनी शक्ल तो देखिए, ऐसा लगता है जैसे हॉलीवुड का जीपी खड़ा हो। चलो श्याम, तुम जाओ, मुझे बोर मत करो। ये भी कोई रूठने का मौसम है दीवाने।
धड़कन के ये गाने चितवन के अफसाने, धड़कन के ये गाने चितवन के अफसाने, सुन सुनो दीवाने दीवाने तू क्या जाने, दीवाने दीवाने तू क्या जाने, दीवाने आज मिलते कहाँ है हजार के जमाने, ये भी तो ये उठने का मौसम है दीवाने, किस्मत से आते हैं प्यार के जमाने, ये भी तो ये उठने का मौसम है दीवाने। छोड़ देंगे हमेशा के लिए, जुदा हो जाना हमेशा के लिए, ये भी चलेगा। लाज, जब हम दोनों की शादी नहीं हो सकती तो मिलने से क्या फायदा? कौन कहता है? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। तुम समझती क्यों नहीं लाज? मैं तो बुद्ध हूँ, मैं कैसे समझ सकती हूँ? तो सुनो लाज, हाँ? जब तुम्हारे पिताजी शादी की इजाजत नहीं देते तो हमारा मिलना जुलना अच्छा नहीं, ये फजूल है, बेकार है, गलत है। लाज, ऐसी बात कह के मेरा दिल न तोड़ो श्याम। हम लोग सच्चाई से नहीं भाग सकते लाज, हमारी शादी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। फिर तुम ही बताओ अब क्या किया जाए। मैं क्या बता सकता हूँ लाज, हाँ एक तरीका है। लेकिन तुम वो भी ना कर सकोगी लाज। जब जी चाहे आजमा के देख लेना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ श्याम। तो फिर चलो आज ही निकल चले लाज, और किसी दूसरे शहर में जाके शादी कर ले। श्याम, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मेरी समझ में कुछ नहीं आता डॉक्टर, लाज का क्या होगा? शंकर लाल, तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, अपने ही गाये जाओगे। बैठो यहाँ। लड़के ने हाँ कर दिए, इतना अच्छा लड़का है, कहने लगा आप मेरे बुजुर्ग हैं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आता डॉक्टर,
लाज का क्या होगा? शंकरलाल, तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, अपने ही गाये जाओगे। बैठो यहाँ। लड़के ने हाँ कर दी है। इतना अच्छा लड़का है, कहने लगा आप मेरे बुजुर्ग हैं। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। शंकरलाल, आजकल के जमाने में ऐसा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। मैं लड़के के बारे में नहीं सोच रहा हूँ डॉक्टर, मुझे तो अपनी बेटी लाज। लाज मेरी बेटी भी तो है। मुझे भी तो उसका फिक्र है। बस एक दफा तुम्हें लड़के की माँ से मिलने के लिए बेंगलोर जाना होगा। वो तो तुम जब भी कहोगे चला जाऊंगा। तुम कल सुबह हवाई जहाज से चले जाओ, उसकी माँ से बात पक्की करके अगले दिन वापस आ जाओ। मैं तुम्हें खत दे दूंगा, उसमें तुम्हारी उनसे जान पहचान करवा दूंगा। अच्छा, तुम जाने की तैयारी करो, मैं कल सुबह एयरपोर्ट पर उस लड़के के साथ तुम्हें मिलता हूँ। मैं तो उसे आज ही ले आता, लेकिन उसकी नाइट ड्यूटी निकल आई। लेकिन इस बारे में लाज को भी तो कुछ कहना जरूरी है। लाज को कहने की कोई जरूरत नहीं, हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसकी भलाई के लिए। अच्छा, मैं आ गई हूँ, अब सो जाओ बेटी। मुझे 5 बजे जगा देना, सुबह के प्लेन से बेंगलोर जाना है। सुनो, बैठो। बेटा, हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगी के बारे में जो फैसला मैं कर रहा हूं उसके कारण तुम मुझे बुरा समझो, शायद मुझसे नफरत भी करने लगो। लेकिन बेटा, मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहता हूं, मुझ पर तुम विश्वास रखो। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसी में तुम्हारी भलाई है। जाओ बेटा, अब सो जाओ।
राज, तुम्हें आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, लेकिन शाम मुझे डर लग रहा है। अरे इसमें डरने की क्या बात है, दिल्ली पहुंचते ही सब ठीक हो जाएगा। जरा आहिस्ता बोलो, उसने सुना तो नहीं? तुम तो खामखा डर रही हो, वो तो सो रहा है। इस बैग में क्या है? इसमें वो नेकलेस थे जो मैं घर से लाई हूँ, इसे संभालो। सिर्फ नेकलेस? हाँ, मैं और जेवर नहीं लाई। लेकिन लाज, एक नेकलेस से क्या होगा? बहुत कीमती है, असली मोतियों का। माँ कहा करती थी 10,000 रुपए का है। लाज, तुम्हारा नेकलेस लेते हुए मैं शर्म से मरा जा रहा हूँ, मैं इसे बेच नहीं सकूंगा। फिर वही बात, जब तुम्हारे पास पैसे होंगे मुझे नया ले देना। मैं जरा सिगरेट लिया। बॉम्बे सेंट्रल उतर के ले लेने सिगरेट। ये सामने तो मिलते हैं, अभी आता हूँ। और जो गाड़ी चल गई तो? तुम फिक्र मत करो, मैं अभी आया। एक पैकेट कैप्सूल। चेन खींचने क्या जरूरत थी? मैं तो पिछले डिब्बे में चढ़ गया था। मैंने तो चेन नहीं खींची, किसी और ने खींची होगी। आओ चलो। तार तो दे दिया है ना? तार? कैसा तार? हमारी पहुंचने की इत्तला, ताकि वो लोग हमें लेने के लिए स्टेशन पर आ जाएं। ओ, हमारे पहुंचने की इत्तला, वो तार तो मैंने दे दिया। लाज, माता जी तुम्हें देख के बहुत खुश हूँ। मेरी माँ को नहीं जानती लाज, शी इज ग्रेट। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भी। भैया, क्या मैं सारी उम्र कुंवारा ही रहूंगा? माँ बाप को तो बड़ी प्यारी लगती है, ना जाने लड़कियां देखकर क्यों शर्मा जाती हैं। खैर, कोई ना कोई बेशर्म मिल ही जाएगी। नहीं, 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 ये बात छोड़, तू अपनी बात कर। तूने क्या किया? तेरी शक्ल तो अच्छी है ना। हाँ, गनीमत है। गनीमत है तो फिर कोई लड़की तुझे क्यों नहीं पसंद करती? तेरा दिल किसी पर क्यों नहीं आता? अरे अपने दिल की क्या पूछते हो? क्यों है अपना दिल तो आवारा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस से आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा।
जब है दीवाना, न दर न ठिकाना, जमी से बेगाना, फलक से जुदा। अजब है दीवाना, न दर न ठिकाना, जमी से बेगाना, फलक से जुदा। ये एक टूटा हुआ तारा न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। जमाना देखा सारा है सब का सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। जमाना देखा सारा है सब का सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसा। न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं पाजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं पाजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। जमाने भर का नाकारा न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। अरे गोगी, ये लड़का लड़की गए गए। चल यार इनका पीछा ही करें। क्यों? अरे यार तू समझता क्यों नहीं है कि ये लड़की अपने घर से जोर चुरा के इस लड़के के साथ भाग रही है। हो सकता है अपने अखबार के लिए कोई मजेदार कहानी मिल जाए। मगर भाई मुझे कहानी से क्या वास्ता है? आज मैं कहानी लेके नहीं गया तो एडिटर अपनी छुट्टी कर देगा। देख भाई, मुझे एक जरूरी काम से नेशनल स्टूडियो जाना है, तुम इनका पीछा करो। अच्छा तो मैं जाता हूँ। गुड बाय। गुड बाय। विश मी लक। ओह यस। जब पिताजी सुबह उठेंगे तो उनकी क्या बीतेगी?
और बच्चों को स्कूल के लिए कौन तैयार करेगा? तू तो खामखा डर रही हो लाज, गाड़ी चलते ही तुम्हारी सब घबराहट दूर हो जाएगी। गजब हो गया लाज, तुम्हारे डॉक्टर अंकल, तुम जल्दी से बाथरूम में छुप जाओ। खबरदार, तुम हाथ लगाया तो कमाल है, आपकी जान भी बचाए और धमकी भी खाए। उस आदमी को रोको। कौन सा आदमी? वो जो भाग रहा है, मैं कहती हूँ जल्दी करो। मैं नौकर हूँ आपका, काम करवाना हो तो मिन्नत कीजिए, इल्तजा कीजिए, प्लीज कहिए। मैंने कहा सही आदमी हूँ। कोई भी, उसे रोको। जो आदमी आप जैसी खूबसूरत लड़की को छोड़ के भाग रहा हो, मैं उसे रोकने के हक में नहीं हूँ। जैसे गधे के सर से सींग। दरअसल आज का एक आशिक लड़की से ज्यादा उसके जेवर से प्यार करते हैं। आदमी ईमानदार लगता है मुझे, जो आपको छोड़ गया और मतलब की चीज ले गया। खैर अब पछताए क्या हो कि जब चिड़ियां चुग गई खेत। किसी की मदद के आप इस रेलिंग पर नहीं चढ़ सकते। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। आपकी मर्जी। आपको रेलिंग के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हुए देखकर मुझे अपने कॉलेज का जमाना याद आ गया। कितना रंगीन जमाना था। रात को जब मैं देर से आया करता था तो अपने हॉस्टल की दीवार यूं फैला करता था। ऐसा लगता आप कभी हॉस्टल में नहीं रही। जब तो आप रेलिंग पे नहीं जा सकती। बोला नारी, भगवान के लिए मेरी कुछ मदद कीजिए ना प्लीज। ये बात है ना, आइए। सरदार साहब, अभी अभी यहाँ से कोई आदमी टैक्सी लेके गया है। ओए बादशाह हो, इतो आदमी टैक्सियां लेके जाते ही रहते हैं। और तुम किस की गल कर रहा है बाबू जी? जो आदमी आपके आगे वाली टैक्सी लेके गया है, मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ। रात का टाइम है, की पता लगता कौन आदमी सी। उसके उसके हाथ में बैग था। नियम साहब था कुछ जरूर, चट से आया, टैक्सी के बीच में बैठा और चला गया। किस तरफ चला गया? वह रब जाने किधर चला गया। आपने उस टैक्सी का नंबर देखा था? नंबर नंबर तो नहीं देखा था। उस टैक्सी का मॉडल कौन सा मॉडल था? ऑस्टन था, हेलमैन था, कोई मैन था। कोई और निशानी? हम ड्राइवर को जानता है। ओहो, तो फिर बताओ ना वो कहाँ रहता है, उसका उसका घर कहाँ है? ओ घर तो बता दे बाबू, पर ये लफड़ा क्या है? वो तो बाल बच्चे वाला आदमी है। कुछ बात नहीं सरदार साहब, बात यह है कि जो आदमी उसकी टैक्सी में गया है, हम उसका पीछा कर रहे हैं। आप मुझे ये बता दीजिए कि वो घर वापस कब पहुंचता है। उसका गाड़ी छिड़ने का टाइम तो हो चुका है,
पैसेंजर नहीं मिला तो सीधा घर में जाएगा, और अगर पैसेंजर मिल गया तो शायद कल तक भी नहीं जाए। अरे गाक और मौत का क्या भरोसा, चांस लेना है तो हमके साथ तुम अभी चलो, हम तुमको उसका घर दिखा देता है। लोही ना पहले क्यों नहीं किया, अब आशाओ चांस ले लीजिए। बोलिए बाबू तू पंजाबी निकले माफ कीजिएगा, शायद मेरी वजह से आप अपने उस को बैठी। क्या नाम है आपका? कुछ नहीं। नाम तो अच्छा है, कहाँ रहती हैं आप? कहीं नहीं। जगह भी बहुत अच्छी है। कौन था वो लड़का? मैं कुछ नहीं बता सकती। तो ये सबसे अच्छा है, कहाँ जा रही थी आप उसके साथ? जहन्नम में। अगर जहन्नम में आप जैसी खूबसूरत लड़कियां मिलती हो तो मैं वहीं का टिकट कटवा लूं। अब मेरा नाम कश्यप है, प्राणनाथ कश्यप। मुझे जाने की ख्वाहिश नहीं, लेकिन मुझे बताने की तड़प तो है। नाम जरा पुराना है लेकिन है मतलब का। आप चाहें तो मुझे नाथ कहके पुकार सकती हैं, चलेगा ना? तुम टैक्सी चलाते हो मालगाड़ी, और टैक्सी नहीं चलाते? हम टैक्सी चलाता है मैम साहब, हवाई जहाज नहीं, इस तो तेज कैसा चलेगा? बिल्कुल ठीक कहा सरदार साहब, आप 30 मील के ऊपर मत चलिएगा वरना पुलिस आपका चलान कर देगी। अगर तुम्हारा चलान हो भी गया मैं जुर्माना भरने के लिए तैयार हूँ। सरदार साहब अकलमंद आदमी औरत की जबान का अखबार कम ही किया करते हैं, आगे आपकी मर्जी। शाबाश हो बाबू, इस तो ऊपर कैसा चलेगा? खैर छोड़िए इन बातों को, उसका नाम तो बता दीजिए। किसका? वही वो जो 9-11 हो गया है। मैं कुछ नहीं बता सकती। नाम क्या है? कुछ नहीं। कहाँ रहती हैं? कहीं नहीं। किसके पीछे भाग रही हैं? पता नहीं। आखिर मैडम मामला क्या है, कुछ हम भी तो समझे। क्या है तेरे अफसाने? ड्राइवर और कितनी दूर जाना है? बस थोड़ी दूर है मेम साहब। कितने का था वो नेकलेस? बहुत कीमती नेकलेस। कौन सा नेकलेस? मेरी समझ में नहीं आता तुम किस नेकलेस की बात कर रहे हो। वही वो जो लड़का लेके भाग गया है, लोकल ट्रेन में मैं उसकी कीमत के बारे में सुन नहीं सका। वो नेकलेस नहीं लेके भागा। तो फिर आप उसके पीछे क्यों भाग रही हो? मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। बड़ा खुश नसीब है वो लड़का जिसके पीछे आप जैसी खूबसूरत लड़की भाग रही। अपनी तो ट्रेजिडी यह है कि हम जिंदगी भर लड़कियों के पीछे भागते रहे लेकिन हमारे पीछे आज तक कोई लड़की नहीं भागी। पर छोड़िए इस बात को, क्या काम है आपको उस भले मानस से? तुमसे मतलब? कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मैं चोर के साथ भाग रहा हूँ या चोर के पीछे। तुम जो भी चाहो समझ लो। बाबू जी तुम बैठो, हम अभी पूछ के आता है। अच्छा आ गया शास्त्री जी। बाहर शास्त्री मैं क्या महिंदर से आया बंता से नहीं आया बैठ गए जैसे यहाँ कार केड़ी भैया उन्हें आ जाता है। मैं क्या मुंडे पंछी कौन ने? चुप चुप यार पैसेंजर जैसे तो बेटा घबराया क्यों है? क्यों भाई की गल है? भाई गल यार कि ये छोकरा छोकरी को नहीं जानता है, ये किसी के पीछे भाग रहे हैं। इनकी बातों से ऐसा मालूम होता है कि कोई नेकलेस की चोरी हो गई है और कहीं पुलिस का केस ना हो जाए। हम तो मैनू ये पूछना आया है कि मैनू की करना चाहिए है। यार तू इन्हें डरना क्यों है? छोकरे ने जाके पूछे छोकरी कौन है, अगर वो ना बताए तो हमको आवाज दे, हम खुद पकड़ के पुलिस चौकी ले जाएंगे। क्या बात है सरदार जी, गर्मी बड़ी है। गर्मी क्या यही कहने के लिए बुलाया है? मैं क्या जरा एक मिनट अच्छा होगा। बात यह है कि हमको कुछ शक्सा पड़ गया है। देखो ना बाबूजी, हम हैं गरीब टैक्सी ड्राइवर और हमको हम बात क्या है सरदार जी? एक गल पूछना है। दो पूछो। ये कौन है?
सरदार जी ये एक छोकरी है। छोकरी है? ये तो हम भी जानता है, पर ये है कौन? वही है। वही 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 यही तो है वो, यही तो है, यही तो है वो, यही तो है। देखिए देखिए गौर से फिर देखिए, देखिए देखिए गौर से फिर देखिए, यही तो है वो, यही तो है, यही तो है वो, यही तो है। सुना होगा आपने किस्सा ये चौपाल में, एक राजा फंस गया था एक परी के जाल में। होगा आपने किस्सा ये चौपाल में, एक राजा फंस गया था एक परी के जाल में। वो परी आई है फिर मैं जलवे लिए, अरे देखिए देखिए गौर से फिर देखिए, यही तो है वो, यही तो है, यही तो है वो, यही तो है। ये कहा होगा तुम्हें याद भी, भोली भाली सूरत वाले होते हैं जल्लाद भी। शायरों का ये कहा होगा तुम्हें याद भी, भोली भाली सूरत वाले होते हैं जल्लाद भी। सीन में दिल नहीं फिरते हैं पत्थर लिए, अरे देखिए देखिए गौर से फिर देखिए, यही तो है वो, यही तो है, यही तो है वो, यही तो है। वही जिनके लिए जान दी फरहाद ने, जंगल जंगल रोता था मजनू भी जिनकी याद में। हाँ वही जिनके लिए जान दी फरहाद ने, जंगल जंगल रोता था मजनू भी जिनकी याद में। रोमियो चल बसा जिनकी तमन्ना लिए, देखिए देखिए गौर से फिर देखिए, यही तो है वो, यही तो है, यही तो है वो, यही तो है। कह लो हंसे पर ये सही बात है, कुछ तो है जो इनका मेरा गली गली साथ है। तुम कह लो हंसे पर ये सही बात है, कुछ तो है जो इनका मेरा गली गली साथ है। और हम क्या कहें खुद ही समझ लीजिए, तो देखिए देखिए गौर से फिर देखिए, यही तो है वो, यही तो है, यही तो है वो। हाँ हाँ वही पैसेंजर। कौन वो लड़का सा जिसके हाथ में बैग था? हाँ वही। उसे तो मैं नेशनल स्टूडियो छोड़ के आया हूँ। तो चलिए सरदार जी हमें भी वही छोड़ दीजिए। देखिए कम इन। हेलो। तुम इस वक्त यहाँ? क्या करूँ मेरी जान, तुमसे दूर रहा नहीं जाता। मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि स्टूडियो में मत आया करो, तुम मुझे जरूर बदनाम करोगे। मैं भी तो कई दफा कह चुका हूँ, छोड़ो इस फिल्म लाइन को और घर बसा दो मेरा। मुझे भूखे मरने का शौक नहीं है। रानियों की तरह रखूंगा तुम्हें। तुम्हें सिर्फ बातें बनानी आती है। मैंने कहा था ना एक दिन तुम्हारे सब गिले दूर कर दूंगा,
आंखें बंद करो, करो ना। शाम असली मोतियों का है, जानती हो इसकी कीमत क्या है? 10,000। कितने पैसे हो जुदार जी? 1 रुपया 3 आने। ये लीजिए 5 रुपए, और बाकी के रुपए उन सरदार जी को दे दीजिएगा जिनकी टैक्स में बैठ के वहां पे गैराज में। अच्छा जी। आप यहीं ठहरिए, मैं उसे स्टूडियो में ढूंढता हूं। ऐसा ना हो कि आपको देखकर वो कहीं छुप जाए। फिक्र मत कीजिए, मैं भी आया। तुम इन शरीफ लड़कियों को नहीं जानती, ये जान दे देंगी लेकिन किसी से जिक्र तक नहीं करेंगी। और जहां तक मेरा ख्याल है वो इस वक्त तक घर पहुंच चुकी होगी और सराहने में मुंह दिए रो रही हो। लेकिन फिर भी शाम, इस हार को अपने पास रखना खतरनाक है। क्यों ना इसे बेच दे और उन रुपयों से शादी कर ले, है ना? मैं एक जोहरी को जानती हूं। मैंने कहा हजरत, कोई श्याम साहब काम करते हैं स्टूडियो में? टाइम मेरे पास करो बड़े कुछ नहीं है। मैं टाइम नहीं पूछ रहा हूं, मैं एक श्याम साहब के बारे में पूछा। माचिस से निकालिए। माचिस? ओह माचिस, हाँ जरूर लीजिए माचिस। ये लीजिए, हाँ हाथ में लीजिए। सिगार निकालिए। जी सिगार तो नहीं मेरे पास, सिगरेट है। एक सिगार निकालिए। हाँ सिगरेट लीजिए, सिगरेट भी हाथ में लीजिए। मैंने कहा हजूर, मैं एक आदमी को तलाश कर रहा हूँ। नौकरी की तलाश करते हैं? इधर नौकरी बकरी कुछ नहीं, और किधर ढूंढो? नौकरी नहीं, मैं एक लड़के को तलाश कर रहा हूँ। लड़के? क्या खूबसूरत है वो? लड़की नहीं लड़का। अरे साहब क्यों आप नाराज होते हैं? मैं थोड़ा काम से दे रहा है। वो कौन सा डिपार्टमेंट में काम करते हैं? अब आना लाइन पे भैया, डिपार्टमेंट का तो पता नहीं लेकिन है स्टूडियो में। स्टूडियो में दो में तपाश करो। तपाश ढूंढो। ओ, 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 ओ ये स्टेज नंबर 2 किधर है? मेरा नाम मोतीराम है। मैं आपके नाम के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं स्टेज नंबर 2 के बारे में पूछ रहा हूँ, किधर है? मोतीराम जी एक नंबर दीजिए। आपका कोई फोन नहीं आया मैडम? फोन आया नहीं, मुझे फोन करना है। हाँ सुन लिया, कौन सा नंबर मांगते हैं? 242787। अच्छा लीजिए। अरे यार गोली मार, अंदर आओ। केशव यार तू किस चक्कर में घूम रहा है? और तू किसकी फोटो ले रहा था? यार मुझे अपने अखबार के लिए कुछ शूटिंग की फोटो चाहिए थी, तू आ गया। मगर तू क्या कर रहा है? क्या बताऊं यार, एक अजीब उलझन में फंस गया हूँ। याद है वो गाड़ी में हमारे पीछे एक लड़का और लड़की बैठे थे? हाँ वो रोमियो जूलियट। हाँ रोमियो और जूलियट। वो रोमियो जूलियट का हार लेके भाग गया। भाग गया है? यार गाड़ी में तो दोनों एक दूसरे के साथ भाग रहे थे, मगर ये लड़की कैसे पीछे रह गई? आजकल के रोमियो ज्यादा देर तक लड़कियों का साथ नहीं देते। तो क्या हुआ? अरे रोमियो हार लेकर भाग जा, तू जूलियट को लेकर भाग जा। मगर वो है कहाँ? बाहर खड़ी। बाहर? अच्छा सॉरी मैं अभी आया। तुझे मजाक सूझ रहा है, उस गरीब की जान पर बनी है। तो भैया मैं क्या करूँ? मुझे पता चला है कि वो लड़का हार लेके इसी स्टूडियो में आया है। स्टूडियो में? तुम ऐसा करो कि जैसे भी हो उसे ढूंढ निकालो और उस पर निगाह रखो, मैं पुलिस को लेकर आता हूँ। अच्छा भैया तुम पुलिस को लेकर आओ, मैं चलता हूँ। फिर मजाक? अच्छा यार तुम पुलिस को लाओ, मैं उसे ढूंढता हूँ। अब तो खुश हो? पता चला? कुछ पता नहीं चला, बहुत कोशिश की। इतना बड़ा स्टूडियो है, हो सकता है अंदर कहीं छुप के बैठा हो।
आई मेरे साथ। कहाँ? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? हाँ, बगैर पुलिस की मदद के उसका मिलना नामुमकिन है। पुलिस स्टूडियो की तलाशी ले लेगी, अगर अंदर हुआ तो पकड़ा जाएगा। आइए, देर ना कीजिए। ठहरिए, पुलिस की क्या जरूरत है, इतनी सी बात के लिए स्टेशन जाना फजूल है। कमाल है, वो आदमी आपका हार लेके भाग गया है और आप हैं कि पुलिस में रिपोर्ट भी करना नहीं चाहती। अगर आपको अपना हार वापस लेने की जरूरत नहीं थी तो फिर ये दौड़ धूप किस लिए की? खामखा मेरा वक्त भी जाया किया आपने। हा? मेरी खातिर जो आपको तकलीफ हुई, मैं उसकी माफी चाहती हूँ। देखिए, ये बात नहीं, आप मुझे एक शरीफ घराने की लड़की नजर आती हैं और आप मुसीबत में मुब्तला हैं। मुझ पर यकीन कीजिए, मैं आपको इस मुसीबत से निकालना चाहता हूँ। मुझे बताइए, ये सब मामला क्या है? मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं कुछ नहीं बता सकती। सुनो, तो चलिए आपको घर पहुंचा रहा हूँ। रात ज्यादा गुजर चुकी है, आपका अकेले जाना ठीक नहीं है। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं खुद ब खुद घर चली जाऊंगी। लेकिन आप अकेली इसमें? मैं कहती हूँ, मुझे आपके साथ नहीं जाना, मुझे जाने दीजिए ना। तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आप मुझे शरीफ घराने की लड़की नजर आती है। जब तुम पराए घर चली जाओ तो इस घर का क्या होगा? मिस्टर, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हवलदार, ऐसी सीढ़ियों पर से इनका पांव फिसल गया और ये गिर पड़े। क्या लफड़ा है? लफड़ा? कोई लफड़ा नहीं हवलदार, हम बाजू में तो रहते हैं, यहाँ सैर करने के लिए आए थे। दरअसल बात यह है कि कुछ दिनों से इनकी तबीयत खराब है, चक्कर आया और ये गिर पड़े। गिर पड़े? कौन हो तुम? मैं इनका ये मेरी बीवी है और मैं प्राणनाथ। इनका प्राणनाथ हवलदार है ना? अपना हवलदार है, आप के बारे में पूछ रही थी। नाथ? नाथ है जी, मुझे हमेशा नाथ क्या के पुकारती हैं, इसीलिए। इनको जल्दी से घर ले जाओ, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। हाँ, मुझे भी नहीं दिखता, तुम चलो।
मुझे डर था आप यही कुछ करेंगे, इसीलिए आपका पीछा कर रहा था। आपने मुझे बचाया क्यों? मैं मर जाती तो अच्छा था, मैं पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगी? नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं पिताजी को मुंह नहीं दिखाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं घर नहीं जाऊंगी। मुझे डूब जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैं कहती हूँ मुझे डूब जाने, छोड़ दो, मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दो, मैं क्या कर रही है? मैं कहती हूँ मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ दो, मैं घर नहीं जाऊंगी। अगर आप यूं मर जाती तो आपके पिताजी दुनिया को क्या मुंह दिखाते? यो खुदकुशी कर लेने से मुसीबत तो नहीं कर सकते? कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं। पिताजी को जब ये सब मालूम होगा उन पे क्या गुजरेगी? मोहल्ले वाले मेरा आना जाना मुश्किल कर देंगे। फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कौन था वो लड़का? आप उसके साथ क्यों आए? क्या नाम है उसका? श्याम, श्याम खन्ना। पिताजी मेरी शादी कहीं और कर रहे थे और मैं श्याम से प्यार करती थी। उसकी झूठी बातों में आकर मैंने अपना घर छोड़ दिया। उसी के कहने पर मैं वो नेकलेस घर से लेकर आई। मुझे क्या मालूम था कि वो मुझे यूं धोखा देगा। कमाल है, अब तक आया क्यों नहीं? मेरी समझ में नहीं आता वो कहाँ रह गया। मैं उसको फिर फोन करके आती। इस वक्त 12:45 बजे है, आपको सुबह ठीक 5 बजे जी को जगाना है। अगर हम जी जान से कोशिश करें तो इतना। और अगर नेकलेस न मिला तो मैं घर किस तरह जाऊंगी? नेकलेस तो नहीं होता है बाबू साहब, आप भीज कैसे गए? वो बात ये हुई कि हम नीचे से जा रहे थे और ऊपर से किसी ने पानी डाल दिया और हम भीग गए। पानी डाल दिए ससुर? भैया जरा जल्दी ये कपड़े खा दो और इस्त्री कर दो, और जब तक ये कपड़े तैयार हो हमें कुछ और पहनने के लिए। बाबूजी एक एक रुपया पड़ी इनका सुखागे के है और स्त्री भी करे के हुई। हाँ जरूर, एक एक लो, ये लो 2 रुपए, ये जरा गीले हैं इन्हें भी सुखा लो। है ले समझ गया, असल इनके लिए 2 कपड़ा निकाल दी। मेरी तो सर्दी के मारे जान निकली जा रही है। पानी में लो बाबूजी दोनों के कपड़े, अंदर जाए क्या बदल ले। साथ साथ नहीं, पास पास, मेरा मतलब है बीच में पर्दा। आप यहाँ और मैं यहाँ, चलेगा? चला नहीं पड़ेगा। आपने अपना नाम नहीं बताया। मुझे लाज कहते हैं। लाज, इसीलिए आपको इतनी लाज आती रहती है? मेरा नाम तो याद ही होगा आपको। आपका नाम तो आपके माँ बाप ने गलत रखा है,
बजाय प्राणनाथ के हेमंत कुमार होता तो बहुत अच्छा होता। अच्छा ये बताइए आपने गाना कहाँ से सीखा? पसंद आया आपको? हाँ कुछ कुछ। ये बताइए आप गाना गाते वक्त मेरी तरफ देख के मुंह क्यों बना रहे थे? मुझे बहुत गुस्सा आया आप पर। और अब? आपका तो पता नहीं, कौन कौन है आपके घर में? जी आजकल तो कोई नहीं, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद बीवी बच्चा आने वाले हैं क्या? आप भी कमाल करती हैं, यहाँ अभी तक शादी ही नहीं हुई और आप बच्चों की बात करती हैं। जी दरअसल बात यह है कि आज तक कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जिसके साथ अपना घर बस सके। माफ कीजिए मैं तो समझे आपकी शादी हो चुकी है। अच्छा ये बताइए आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? ये क्या करूं, किसी लड़की पर दिल ही नहीं आया, लेकिन अब क्या कोई अच्छा लगने लगा है। कौन है वो? है एक लड़की। कैसी है? शक्ल सूरत की तो अच्छी है लेकिन मिजाज जरा तेज है। आप उसे कब से जानते हैं? अभी नई नई मुलाकात है। कहाँ रहती हो? पहले तो कहीं और रहती थी लेकिन अब मेरे दिल में रहने लगी है। बड़ी खुशनसीब हो लड़की जो आपके दिल में रहती है। लेकिन मजा तो जब है कि हम भी उसके दिल में रहने लगे। आप उससे पूछ क्यों नहीं लेते? कहा था ना आपसे कि मिजाज की जरा तेज है इसीलिए जरा डर लगता है। बड़े डरपोक हैं आप, वो आपको खत्म हो जाएगी। खा जाने ऐसा
निकलती डोरी निकल पड़ी बोरी काहे को चोरी चोरी तो नैन वाली ये सीधी साधी चाल ये सीधी साधी चाल हुई री चल चाल देखो मुहे लगा जोलमा शाबाश संभल के गरी तेरा जग है दीवाना जो अखियां मिलाना कदम जो उठाना तो देख भाल के अजब है ये साल छोड़ो गोरी ये कहानी है कितनी सुहानी ये रुखसतानी ये रात प्यार की सुना मुझे सहाल तभी आप इतने घुल मिल के उसके साथ गा रहे थे वो तो मैं आपका दिल बहलाने के लिए गा रहा था दिल तो खैर आप जिसका बहला रहे थे वो तो मैं भी देख रही थी ये धोकर है बड़ी खूबसूरत और नाचती भी बिल्कुल बिजली की तरह आपका क्या ख्याल है अजीत साहब मैं पूछती हूँ आप जिंदगी में गाने के अलावा कुछ और भी करते हैं कभी चलती ट्रेन में गा रहे हैं कभी टैक्सी वालों के सामने कभी धोबियों के साथ आपको लाज नहीं आती ये लाज ही अगर जिंदगी में आ जाए तो और क्या चाहिए दिल की बात तो यह है कि जब से आपको देखा है जी चाहता है कि गाता ही चला जाऊं ये आपसे किसने कहा कि दिल की बात सिर्फ गाकर ही समझाई जा सकती है ये वक्त बातों का नहीं बिजनेस का है कहाँ है वो नेकलेस वो नेकलेस अभी उस गधे के पास ही है जिसे वो तुम्हारे हाथों बेचकर मुझसे शादी करना चाहता है मुझे पूरी हमदर्दी उस गधे से शाम इनसे मिलो यही मिस्टर बिहारी लाल हमारे शहर के बहुत बड़े जोहारी हेलो मुझे यही मिल गए थे बैठिए शाम आप भी फिल्मों में काम करते हैं क्या जी नहीं मैं तो क्या बताऊं बात यह है बिहारी लाल जी कि जिस हार के बारे में मैंने भी आपसे टेलीफोन का जिक्र किया था वो इन्हीं का है और ये उसे बेचना चाहते हैं मैंने सोचा इतनी खूबसूरत चीज है क्यों ना आपके हाथ तो बेची जाए ये तो आपकी मेहरबानी है कि आप लोग मेरी इतनी कदर करते हैं कहाँ है वो नेकलेस ये लीजिए
आप मजाक उड़ाना खूब जानती है मिस नीना, मान गए आपकी एक्टिंग को। लाइए अब असली निकलेस दिखाइए। असली? यही तो है असली हार। मिस्टर शाम, आप तो कहते थे कि आप फिल्मों में काम नहीं करते, फिर आप भी हमसे एक्टिंग करने लगे। ये नेकलेस झूठे मोतियों का है। झूठे मोतियों का है? ये कैसे हो सकता है? इसकी कीमत तो 10,000 रुपया है। श्याम साहब, ये तो 10 कौड़ी का भी नहीं है। बिहारी लाल जी, शायद आपको परखने में कोई गलती हुई होगी। उसके बाद आप शायद ये कहेंगे कि मैं तमाम उम्र हीरों का नहीं कंकड़ों का सौदा करता रहा हूं। अजी साहब, हम तो गुदड़ी में लाल पहचान लेते हैं, लेकिन जो हो ही कंकर, मैं उसे कैसे हीरा कह सकता हूं। अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि जिस मोती को मैं घर में परख रहा था, वो सौदा भी शायद हाथ से जाता रहा। खैर मिस नीना, आपके लिए मैं क्या नहीं कर सकता। अच्छा नमस्ते। मैं छूटा नीना। आई एम सॉरी मिस्टर श्याम। मैं इन्हें छोड़ के आती लिए। यही असली मोतियों का नेकलेस है। मैडम शॉट तैयार है, और वो डांस का ड्रेस पहन के आइएगा। अभी क्या करूं, कल आपके गुलाम ने वो छाड़ दिया कि महबूब साहब दंग रह गए, और उसके बाद क्या बात करूं, महबूब साहब ने मेरे नरगिस के साथ एक छाड़ खुला, और उसके बाद क्या आज कोई त्योहार से मेरी आंख खुली क्या देखता हूं कि नीचे पलंग के मैं पड़ा हूं और बिस्तर ऊपर। तुम लोग क्या चलो से डोबा। एक लड़का और एक लड़की सेट पर चाहिए, मेरी पॉकेट में रखें क्या? चलो सर ऊपर। बहुत अच्छा, ये रहा स्टूडियो। इतने बड़े स्टूडियो में उसे कैसे ढूंढेंगे? थोड़ी देर पहले जब मैं यहाँ आया था तो अपने दोस्त गोगी को उसकी तलाश में छोड़ गया था, हो सकता है उसने उसे ढूंढ निकाला हो। ये गोगी कौन है? गोगी वो नाता सा मोटा सा मुंह में बाजा। और मिस्टर, तुम दोनों मेकअप करोगे? मेकअप? हाँ हाँ मेकअप, क्या कभी मेकअप नहीं किया? मेकअप ये बहुत बार किया है, 6-8 बार किया, लेकिन इस स्टूडियो में जरा नए हैं। आओ चलो मेरे साथ। ये मामला क्या है, कौन से मेकअप की बात कर रहे हैं? मेरा ख्याल है शूटिंग के लिए किसी का इंतजार कर रहा था, हमें देख के पकड़ लिया। लेकिन मैंने कभी फिर मेकअप नहीं किया। ओहो, तो मैंने कहा किया है। अब क्या होगा? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बल्कि अच्छा हुआ कि यू आसानी से शाम को ढूंढने का मौका मिल रहा है। आपका दोस्त गोभी कहाँ है? वो भी यही कहीं होगा। अरे भाई ये लसन बाद में करना, चलो मेरे साथ। जी चलिए चलिए चलिए। मेरा मद्रास में कितना इज्जत था, कितना भाव था मेरा। आम जैमिनी स्टूडियो में काम करता था, चंद्रलेखा में झूले पे ऐसे गया, उधर से वहीं से गया, उधर से इधर आया, हम डोले के मैं झूला झूलता था थोड़ा। अभी तभी तभी क्यों क्या मजा नहीं तुमको अंदर? ओ सॉरी असिस्टेंट साहब, इनको मेकअप करना है, इनको सिर्फ दाढ़ी मोछ, इनको इनका प्लेन यूं ही चलेंगे। सुनो सुनो डायरेक्टर साहब, सुनो जी, जरा बैठो जी। देखो ये 2 मिनट का आया, तुम इसको दाढ़ी मूछ लगा था, हमको भी थोड़ा जी। क्या आपका इरादा, आपको दाढ़ी मूछ में? मैं जी हम दाढ़ी मूछ से बात नहीं करता, थोड़ा हमको भी कुछ चांस देना, हमारे अंदर क्या कमी है, तुमको वजन के माने जैसा डांस दिखाते ना। देखो तुम अभी देखो जी, थोड़ा संभल के बैठना। हाँ सारे गारे जानी दाबा, सारे गारे जानी दाबा, सारे गारे। बस 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 बस, अच्छा गाना भी सुनाता जी। देखो हम गाना कितना अच्छा गा रहे, थोड़ा सांस फूल गया, कोई बात नहीं परवाह ले। आडवो में पड़ी पाडवो में आ। बस 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 बाबा, ये यहाँ नहीं चलेगा। थोड़ा हिंदी में सुनाता जी, लता मंगेशकर का गाना नई दिल्ली में, तुम देखा होगा। मुरली मुरली बेदन भई हो कन्हैया
तोरी मुरली बैरन भई, कन्हैया तोरी मुरली बैरन भई, प्यार जता के तन मन लूटा पीछे पड़ा बेमान, अब अखियन के तुम एक्टिंग एक्टिंग का चक्कर छोड़ो, प्लेबैक में तुम्हें दे लेंगे, जाओ अपना काम करो। अच्छा नहीं तुम कितना अच्छा है। दादा जा जल्दी। हाँ तुम हमको आके पाड़ पाड़ के क्या देखता है जी? वही वो, वही बात, वही नजर, वही एक्शन। बिल्कुल बिल्कुल दिलीप कुमार जैसा। अयो दिलीप कुमार में बाबुल, सॉरी बाबुल में दिलीप कुमार हमको ऐसा ही देखा, हमारा दिल धक धक होने लगा। उसके बाद जब हम उनको ऐसे देखा तो उनको 8 दिन का छुट्टी हो गया। डायरेक्टर उठाता, मुख पे पानी डालता, होश में आता, मेरी तरफ देखता, फिर बेहोश हो जाता। डायरेक्टर फिर उठाता, फिर मुख पे पानी डालता, फिर मेरी तरफ देखता, फिर बेहोश हो जाता। अभी तुम बताओ जी, तुम बेहोश होएगा या हम? अगर आप यूं ही बोलती रही वाकई बेहोश हो जाऊंगा। बेहोश? तुम चोरी जरा पी हटा जी, तुम क्या बात करता है जी? झूठे मोतियों के नेकलेस में कुर्बान जाऊं तुम्हारी सदा पे। जानती हो ये 10,000 से भी ज्यादा की चीज है। तुम ही तो कह रहे थे कि ये 10 कौड़ी का भी नहीं। वो तो सिर्फ उस बेवकूफ के लिए। लेकिन मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं। बाय बाय। जाओ मैडम सेट पे जाओ। मैं जाऊं? आप बेफिक्री से जाइए, मैं शाम को ढूंढता हूं और अभी आपको सेट पे मिलता हूं। जाइए। कहो पहलवान, कितने मेकअप मिल जाते हैं महीने में? ऐसे तो भैया बाहर से मेकअप मिलते हैं, लेकिन कोई खास चांस नहीं मिला। शायद आज कुछ जमेगा। स्टेज नंबर 2 कहाँ है? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा जी लाज। आए, आए। क्या नीची निगाहों से बात करती हो। ताबेदार को यहाँ सब पहलवान के नाम से बुलाते हैं। अपन लेकिन भगवान की कसम ऐसा चांद सा मुखड़ा पहले कभी नहीं देखा था। मधुबाला दिखती हो मधुबाला। ये डायरेक्टर है? डायरेक्टर तो तुमको साइड में इनका चांस दिलाएगा, लेकिन पैकअप के बाद। यन्ना पहलवान, यन्ना क्या चल गया है? छी, तुम चौकरी को अकेले में देख के चढ़ता है? खबरदार के तुम फिर से चौकरी को चढ़ा, समझा? तुम्हारा गाड़ी, सॉरी तुम्हारा दाढ़ी नोच के तुम्हारा पैकेट में रख देगा। गेट आउट। अच्छा छी, ये छी। अम्मा या अम्मा, अम्मा डरो नको जी, ये तो खाली नाम का पहलवान है। हम इसको एक तिरछी नजर मारेंगे, ए भाई को 36 दिन का छुट्टी हो जाएगा। अम्मा तुम इधर नया आया है? स्टेज नंबर 2 कहाँ है? हमारे घर के सामने। अच्छी सॉरी, ये सामने है अम्मा, जाओ। हेलो मैंने कहा भाई साहब वो स्टेज नंबर 2 कहाँ है? मुझे नहीं पता। मैं स्टेज नंबर 2 के बारे में पूछ रहा। अरे भाई मुझे नहीं पता। इस तरफ है कि इस तरफ? अरे यार तू पता पूछता है या दादागिरी करता है, मुझे नहीं मालूम।
पता हो तो जरूर बता दीजिए। अरे यार तू तो भिखारी की तरह गले पड़ गया है, मार कर, मुझे नहीं पता। हाँ कैसा पता? अरे भेष बदला हुआ है। अरे पर किस लिए? उस चोर को पकड़ने के लिए। पर पुलिस कहाँ है? पुलिस को नहीं ला सका, वो चोर कहाँ है? अरे उस चोर को मैंने नीना डांसर के मेकअप रूम में देखा है। और वो मेकअप रूम किधर है? मेकअप रूम उधर है, उधर। अरे तुम आ गए, बैठो बैठो बैठो। वो तुम्हारा फ्रेंड कहाँ गया? वो आता ही होगा। आता होगा। ओ डांस आता है? जी। डांस, बॉलरूम डांस? जी थोड़ा 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 चलेगा। बताने की जरूरत है? सीधी तरह निकाल दो तो ठीक है भाई साहब, वरना कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस को। इसकी क्या जरूरत थी? खैर अब आपने शुरू किया है तो खत्म मुझे ही करना पड़ेगा। हड्डियां तोड़वानी है या कि बताना है कि नेकलेस कहाँ है? बता दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वो नेकलेस झूठे मोतियों का है। बको मत। मैं सच कहता हूँ, मैं सच कहता हूँ। नीना ने मेरे सामने एक जौहरी को बुला के दिखाया था और उसने साबित कर दिया है कि वो नेकलेस झूठे मोतियों का है। झूठे मोतियों का है? झूठे मोतियों। बेवकूफ, नीना और जौहरी ने मिलकर तुम्हें उल्लू बनाया है। जानते हो उस नेकलेस की क्या कीमत है? 10,000। बताओ कहाँ है? नीना के पास। नीना कहाँ है? सेट पर। आवेदन पढ़िया। हाँ वो बारह नंबर ऑन करो, बारह नंबर। जल्दी जाओ। एक मिस हेलो नीना। हेलो। मुंडे नहीं पहन रखे? अभी पहन। ये नेकलेस बड़ा खूबसूरत है। जी ये मेरा है। जी ऐसे झूठे मोतियों का है।
लेकिन इस वक्त तो वो हम दोनों को उल्लू बनाकर चली गई है। क्या इरादे हैं? यूं ही जाने देना है या नेकलेस वापस लेना है? तुम्हारी क्या राय है? लड़की सेट पर है और नेकलेस उसके गले में। जाहिर है कि हम दोनों को वहां होना चाहिए। नेकलेस निकालना तुम्हारा काम है और 5,000 रुपया देना मेरा। 5,000? उसकी असली कीमत 10,000 है। 10,000? चोरी का कपड़ा लाठियों के गज नपता है। कहिए, मंजूर है? चलो। मैडम देखिए, आपका मिस लॉन्ग शॉट है। जस्ट यू मिस नीना, एक फोटो हो जाए प्लीज। आपका ऑनलाइन वेबसाइट बनी हरी अप प्लीज। थैंक यू। अगर ऑफर देखिए, अगर मुस्कुराइए, डांस पोज, डांस पोज। नहीं नहीं नहीं, देखिए मेरा ख्याल है आप ये नेकलेस उतार कर फोटो खिंचवाएं तो बहुत अच्छा आएगा। क्या मसला? जी मतलब ये है कि खूबसूरती जेवरों की मोहताज नहीं होती। आप ये नेकलेस मुझे दे दीजिए, फोटो के बाद वापस कर दूंगा प्लीज। अगर आपको फोटो लेना है तो ऐसे लीजिए और जल्दी कीजिए। हाँ सुनो सुनो, जैसे ही प्लेबैक स्टार्ट होगा आप लोग अपनी जगह पर उठ के डांस शुरू कीजिए। ऑलराइट? ओके ओके। यू आर रेडी? यस। प्लेबैक। गाना नहीं गाएंगे? आपने मुझे गवैया समझ रखा है। शक्ल सूरत तो अच्छी है आपकी। यहाँ के डायरेक्टर को आपकी आवाज पसंद आ गई तो वो आपको हीरो बना देगा। मुझे हीरो बनने का शौक नहीं है। हीरोइन तो आ गई है लेकिन हीरो कहीं नजर नहीं आ रहा।
काट काट, नहीं नहीं नहीं, सुनो तुम ठीक नहीं कर रहे। साइलेंस साइलेंस साइलेंस। ये डांस जो हम ले रहे हैं नए साल का डांस है, और जैसे कि नए साल का दस्तूर है डांस के बाद लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। इस अंधेरे में आप लोग हैप्पी न्यू ईयर कहिए, तालियां बजाइए वगैरह वगैरह। और सुनो सुनो, लाइट्स सिर्फ एक मिनट के लिए ऑफ रहेंगी, और इस दौरान में तालियां बजाना, हैप्पी न्यू ईयर कहना मत। दैट्स बेटर, स्टार्ट प्लेबैक। Oh,
नजर की कटा दी, ये कैसे चली हराम, ये लगी ये लगी ये लगी। निकालते हो नेकलेस या वही मेकअप रूम वाला प्रोग्राम किया जाए? देता हूं, तुम्हारे लिए ही तो लाया हूं। उनमें से एक के पास उसका हार है। मिस्टर शर्मा, आप जल्दी से उधर घेरा डालो। स्टूडियो में ऐसी चोरी कैसे हो सकती है? कौन सा वाली? नीना, तुम्हें तो कुछ अंदाजा होना चाहिए। भाई साहब, पुलिस ने स्टूडियो को घेर लिया है और उसका छत पर पीछा कर रही है। अब उस आदमी के पकड़े जाने में ज्यादा देर नहीं। That's better. Thank you.
क्या हुआ पहलवान? क्या अरे भाई अंदर मेरी सी शौक हो गया, पता नहीं कुछ गोलमाल हो गया। क्या हो गया रहा? अरे बोलो भाई। ये लीजिए नेकलेस, जल्दी से यहाँ से निकल जाइए। सामने आपको टैक्सी मिल जाएगी, आप वक्त पर घर पहुंच जाएंगे। और आप? मेरी फिक्र नहीं कीजिए, मुझे पुलिस से निपटना पड़ेगा। पुलिस? दीवार के पास देखो, दीवार के पास। लेकिन लेकिन मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। प्लीज मेरा कहा मानिए, आप यहाँ से चली जाइए। अगर मैं नेकलेस लेकर यहाँ से चली गई तो पुलिस इसकी चोरी के इल्जाम में आपको पकड़ लेगी। मुझे अपना वादा पूरा कर लेने दीजिए, आप नेकलेस के साथ वक्त पर घर पहुँच जाए, मेरे लिए इतना बहुत है। लेकिन आप समझते क्यों नहीं, अगर मैं चली गई तो पुलिस आपको पकड़ लेगी, आपकी इज्जत खतरे में। अगर आप ना गई तो आपकी इज्जत पे क्या होगा? इसी खातिर आपने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। hey! आप तो कहती थी कि ये नेकलेस आपका है। जी जी नीना, मिस्टर श्याम, आप बेधड़क कहिए जो कुछ कहना है। जी मुझे श्याम ने दिया। क्यों मिस्टर श्याम, ये क्या माजरा है? इंस्पेक्टर साहब। ए! इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी भागने की कोशिश कर रहा था। भागने की नहीं, जाने की कोशिश कर रहा था। इंस्पेक्टर साहब, यही वो जौहरी है जिसने नीना के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो यहाँ नेकलेस का सौदा करने के लिए बुलाया था। जी हाँ, आपको सच्चे का झूठा कहने को बुलाया गया था। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कहता हूँ, ये नेकलेस इन्हीं का है। मैं कुछ नहीं जानता, आप सब लोग पुलिस स्टेशन पर चलें। कम ऑन मिस्टर शर्मा। साहब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आपको जो कुछ कहना है वो पुलिस स्टेशन पे कहिए। क्या सोच रहे हैं आप? आज अगर आप मुझे ना मिलते तो ना जाने क्या होता। आपकी सगाई कब हो रही है? पिताजी आज सुबह जाने वाले हैं, दो चार रोज में हो जाएगी। जिस लड़के से आपकी सगाई हो रही है उसे आपने देखा है? नहीं। क्या काम करता है? मुझे पता नहीं। क्या काम करते हैं? कहानियों की तलाश में घूमता फिरता रहता हूँ। जी जर्नलिस्ट हूँ, भारत टाइम्स के लिए लिखता हूँ। आज के इस वाक्य को आप अपने अखबार में छापेंगे? अब नहीं, बॉम्बे सेंट्रल में जब आपका पीछा किया था तो सोचा था कि शायद अपने अखबार के लिए कोई कहानी मिल जाए। इससे ज्यादा सच्ची और अजीब कहानी आपको कहां मिलेगी? आपकी जगह कोई और लड़की होती तो जरूर छाप देता। देख लीजिए, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। 5 बजे से पहले आपको बम्बई नेकलेस घर। हाँ इतना जरूर है कि आपसे बिछड़ रहा हूँ, इसका मुझे बड़ा दुख है। आपसे ज्यादा दुख तो शायद मुझे हो रहा है। लेकिन इस हसीन दुख की वजह से अब जिंदगी से प्यार हो जाएगा। 6 घंटे पहले आपसे मुलाकात हुई, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैं आपको 6000 साल से जानता हूँ।
आप मुझे कुछ रोज पहले क्यों नहीं मिल गए? मैं भी तो आपसे हम दोनों एक दूसरे के इतना नजदीक होते हुए भी कितने दूर हैं, शायद इसी को नसीब कहते हैं। बस अब मेरी यही एक तमन्ना है कि आप जहां भी रहें फलें फूलें। और आप? तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूं। रुका है न जाने धुन क्या है, कभी ये रसता है कभी वो रसता। रुकेगा न रुका है न जाने धुन क्या है, कभी ये रसता है कभी वो रसता। तेरे है दर बदल मारा न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। किसी से ये मिला था बताए कोई क्या था, बेदारी का समा था कि था वो सपना। किसी से ये मिला था बताए कोई क्या था, बेदारी का समा था कि था वो सपना। खुद अपने दर्द से हारा न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा न जाने किस आएगा। है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा।
पिताजी 5 बज गए हैं। पांच बज गए। बेटी रामू के हाथ एक कप चाय भिजवा दो। चाय? हाँ चाय। आ जाओ तुम भी तैयार हो जाओ। मैं भी पिताजी। हाँ मुझे छोड़ने नहीं जाओगी? प्लेन छूटने का वक्त हो गया है, अभी तक तुम्हारे डॉक्टर अंकल का पता नहीं। बेटी जिस लड़के से तुम्हारी शादी होने वाली है वो भी उनके साथ आ रहा है। लड़का बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद है, फिर भी मैं चाहता हूं तुम एक बार उसे देख लो, उससे मिल लो। लो वो आ गए। रुक क्यों गए? क्या हो गया बेटी? अरे डॉक्टर साहब ये तो वही है। वही है? लड़का पसंद नहीं है क्या? शुक्र है भगवान का। यही तो है वो। यही तो है वो। भाई शंकर लाल से तो तुम मिल ही चुके हो, यह है उनकी बेटी लाज। नमस्ते करो बेटी। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। लेकिन तुम लोगों को देर कैसे हुई? ये बात यह हुई कि रात एक ऐसी ड्यूटी आन पड़ी, एक मिनट के लिए भी आंख लगाने की फुर्सत नहीं मिली। तुमको हो क्या गया है बेटी? कुछ समझ में नहीं आ रहा पिताजी। बात नहीं अभी समझ आ जाएगी। कौन से कॉलेज में पढ़ती हैं आप? लाज नेशनल कॉलेज में पढ़ती है और पढ़ाई में बहुत होशियार है। डांस और गाने में तो काफी प्राइज मिल चुके हैं। जी गाने का शौक तो मुझे भी है, बल्कि बाद लोग पढ़ाने के लिए ये भी कहते हैं कि मेरे माँ बाप को मेरा नाम हेमंत कुमार रखना चाहिए था। क्या हो गया बेटी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं पिताजी। अच्छा बेटी घर का ख्याल रखना और परसों तो मैं लौट ही आता हूँ। कश्यप तुम्हारी माता जी को कुछ कहना है? जी हमसे इतने कह दीजिएगा कि हम मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा अच्छा। Calling all passengers for Bangalore. Your attention please. The flight for Bangalore is now ready. Passengers are requested to report at the gate. Calling all passengers for Bangalore. कह लो हंसे पर ये सही बात है, कुछ तो है जो इनका मेरा गली गली साथ है। तुम इसे कह लो हंसे पर ये सही बात है, कुछ तो है जो इनका मेरा गली गली साथ है। और हम क्या कहें खुद ही समझ लीजिए, तो देखिए देखिए।